नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से है। ऐसे में पाकिस्तान बांग्लादेश को बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी बीच दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटरों की तरफ से अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच में उनकी टीम 500 रन बनाने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे और करिश्माई जादू हो सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा है 600, 500 या 400 रन बनाकर प्रतिद्वंदी टीम को 50 रन पर ऑल आउट कर 316 रन के मार्जिन से जीत हासिल हम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, वर्ल्ड कप में 500 रन का स्कोर बनाना फिलहाल किसी भी धुरंधर टीम की बस की बात नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान जैसी टीम के बारे में क्या कहा जा सकता है। दोस्तों, कप्तान के अलावा एक पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूनुस ने भी बेतुका बयान दिया है। यूनुस ने मजाक करते हुए कहा है कि हम बांग्लादेश की टीम को 10 रन पर ऑल आउट करके 316 रन की जीत हासिल कर सकते हैं। वर्ल्ड कप के मौजूदा स्थिति के मुताबिक न्यूजीलैंड 11 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है। वहीं पाकिस्तान को सेमीफाइनल में एंट्री लेने के लिए यानी कि चौथे स्थान पर पहुंचने के लिए बांग्लादेश को करीब 325 रनों के अंतर से हराना होगा, जो कि फिलहाल पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। फिर भी उनके क्रिकेटरों द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटरों के द्वारा ऐसे बेतुके बयान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको वर्ल्ड कप 2019 की पल पल की अपडेट मिलती रह जाए। धन्यवाद।